जिस घर में शुक्रवार के दिन ये 6 सब्जियां खाई जाती हैं, उस घर में शुक्रदेव की ऐसी मेहरबानी बरसती है कि दुनिया देखती है। शुक्रदेव इतने कृपालु हैं, अगर आप उनका पसंदीदा खाद्य पदार्थ शुक्रवार के दिन खाते हैं तो आपकी दुनिया ही बदल जाती है। तरक्की, बरकत, समृद्धि आपके पीछे पीछे भागते हैं, पैसा दौड़ते भागते आपके पीछे पीछे आता है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं शुक्रवार के दिन बनने वाली ये सब्जियाँ आपका भाग्य इतना चमका सकती है क्योंकि इसमें शुक्र खुद ही निहित है। जी हाँ, जिन पदार्थों में खुद ही शुक्र बसता है और उनका सेवन आप शुक्रवार को करते हैं तो चमत्कारिक रूप से लाभ नहीं होगा तो क्या होगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हम हैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमाश्री। हम अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर उमाश्री में आपका वेलकम करते हैं। आई होप आप सब सुखी होंगे, मैं भी बहुत सुखी हूँ। आइए कंटिन्यू करते हैं अपनी बात को। मित्रों, मैं 25 साल से एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री और वास्तु पर काम कर रही हूँ। आप हमसे परामर्श लेने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर उमाश्री के डिस्क्रिप्शन में आएँ और ईमेल आईडी के थ्रू संपर्क करें। पहली सब्जी है भिंडी। हाँ, भिंडी की सब्जी में भी शुक्र बसता है और भिंडी की सब्जी आप शुक्रवार को बना के खाते हैं। कटवा, भरवा, किसी भी तरह से बनाएं, लेकिन आप अवश्य ही बनाएं भिंडी की सब्जी। और भिंडी की सब्जी हेल्दी भी होती है और चमत्कारिक रूप से आपको शुक्र की कृपा बरसाने में मदद करती है। शुक्रदेव की कृपा आप पर बरस जाए तो जीवन में धन की कोई कमी नहीं होती है। तो भिंडी की सब्जी शुक्रवार को अवश्य बनाइए। दूसरी सब्जी है मखाने की सब्जी। सभी सब्जियां बनाने की ज़रूरत नहीं है, इनमें से एक सब्जी बना लीजिए या दो सब्जी बना लीजिए पर्याप्त है, या 3 सब्जी भी बना सकते हैं, सुबह शाम भी बना सकते हैं, आपका मन करे तब बनाएं, लेकिन ये सब्जियां शुक्रवार के दिन अवश्य बनाइए। दूसरी सब्जी है मखाने की सब्जी। जी हाँ, मखाने की सब्जी में भी शुक्र बसता है और मखाने की सब्जी आप शुक्रवार को बना के खाते हैं तो आपका भाग्योदय चरम सीमा पर, चरम शिखर पर पहुंच जाता है। आलू तो जग जाहिर है, आलू तो शुक्र का पदार्थ ही है, तो आलू की सब्जी भी आप सूखी गीली किसी भी रूप में बना के खाएं, आपको फायदा होगा। अगला शाक है जमीकंद का शाक। शाक सब्जी को बोलते हैं। अगर आप जमीकंद की सब्जी शुक्रवार को बना के खाते हैं तो आपके जीवन में मनमाना भरपूर मात्रा में पैसा आता है, क्योंकि कुपित शुक्र आपको पैसा नहीं देता है और इसके लक्षण हैं, आपको स्त्री बार बार कोसती है, बददुआएं देती है, अपशब्द बोलती है, ये खराब शुक्र की निशानी है। तो आपको हमेशा स्त्रियों को खुश रखना चाहिए और स्त्रियों का अपमान नहीं करना चाहिए, स्त्रियों को बेइज्जत नहीं करना चाहिए। स्त्रियों का जितना सम्मान आप करेंगे उतना ही शुक्रदेव की कृपा आपको प्राप्त होगी। अगली सब्जी है अनानास का रायता। अनानास का अचार भी बना के खा सकते हैं, सब्जी भी बना के खा सकते हैं, लेकिन अनानास का रायता बहुत फेमस है और आप सबको पसंद भी आता है। तो पाइनएप्पल रायता फ्राइडे को बनाइए और खाइए, इससे भी आपका शुक्र मुदित होता है, प्रसन्न होता है और आपको हर जगह सफलता मिलती है। शुक्रवार के दिन आप सफ़ेद धुली हुई उड़द की दाल भी बना सकते हैं, इसमें भी शुक्र बसते हैं तो आपको फ़ायदा होता है। अगर आप उड़द की दाल के दही बड़े बनाते हैं और दही डालकर खाते हैं और इमली की चटनी उसमें डाल के खाते हैं तो भी आपका शुक्र उन्नत होता है। शुक्र उन्नत होने का मतलब है आपको फेम, प्यार, हर जगह सफलता मिलती है, पैसा तो आता ही है। शुक्रवार के दिन आप अंगूर की सब्जी भी बना के खा सकते हैं। अंगूर और मखाने की मिक्स सब्जी भी बनती है, वह भी आप बना सकते हैं, या अंगूर की सब्जी भी बनाना शुक्र को मनाने का बहुत उत्तम उपाय है, वो है तो होता है। तो आपको शुक्रदेव को मनाने के लिए अंगूर की सब्जी बना के खाना चाहिए। शुक्रवार को किसी भी रूप में खीर का सेवन आपको फायदा दे सकता है। ये खीर मखानों की भी हो सकती है, चावलों की भी हो सकती है, किसी भी रूप में खीर का सेवन आपको करना चाहिए। आप रसगुल्ले की सब्जी भी शुक्रवार को बना सकते हैं। रसगुल्ला चाशनी वाला नहीं होता, रसगुल्ला पनीर का फीका स्वरूप भी हो सकता है। पनीर की सब्जी भी आप शुक्रवार को बना के खा सकते हैं, इससे भी आपको लाभ मिलता है। तो इन सब्जियों का सेवन आप कर सकते हैं, भरपूर मात्रा में शुक्रदेव का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। क्योंकि शुक्रदेव अगर रूठे हुए हैं तो दाम्पत्य सुख में कमी करते हैं। कलह, लड़ाई, झगड़ा घर में बहुत ज़्यादा होता है। अपनी ही स्त्री अपने को प्यार नहीं करती है, ये बहुत बड़ा अभिशाप होता है पुरुष के लिए कि आपकी पत्नी आपके नेचर को पसंद नहीं करती है, आपको प्यार नहीं करती है। तो इससे भी
दिक्कत होती है हर जगह, आप सफ़ेद रंग का बनियान पहनना चालू कर दीजिए, आपका दाम्पत्य जीवन मधुर हो जाएगा। सफ़ेद रंग का रुमाल, सफ़ेद रंग के मोजे पियर करिए, इससे भी आपका शुक्र उन्नत होता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए सुखी रहिए, संपन्न रहिए और आबाद रहिए। थैंक यू सो मच।